हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अरबी के पत्ते की सब्जी। जिसे पता है ये रेसिपी, उन्हें पता होगा ये कितना टेस्टी होता है, और जिसे नहीं पता है वो आज के बाद इसके फैन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ मैंने अरबी के पत्ते को अच्छे से धो लिया है और इसके स्टेम वाले पार्ट को काट करके हटा दिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे लिया है बेसन आधी कटोरी के लगभग, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है मैंने। इन सभी का पेस्ट बनाना है हमें, एक थिक पेस्ट। उसके लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन को डाल लेंगे और बाकी सारे मसाले भी जो हमने लिए थे उनको डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देते हैं। अब पानी डाल करके हमें इसका एक थिक पेस्ट बनाना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए अपने हिसाब से। अगर आपको अंदाज़ा है तो आप एक बार में डाल दीजिए, वरना थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए पानी को। इसको अच्छे से फेट करके एक थिक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मेरा पेस्ट रेडी है। अब हम क्या करते हैं, पत्तों को असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक थाली लिया, उसको उल्टा कर लिया, उसके पीछे इस तरीके से पत्ते रखकर हमें सारे पत्तों को असेंबल करना है। इस तरीके से बेसन का जो हमने पेस्ट बनाया है वो पत्तों के पीछे किस साइड में लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पत्तों को आप उल्टा करके रखिए, मतलब पीछे की साइड ऊपर होना चाहिए, और हर लेयर में हमें बेसन लगाना है। इस तरीके से असेंबल करिए कि एक सर्कुलर शेप आपको मिल जाए पत्तों को। हर तरफ से आप पत्तों को लगाते जाइए। यहाँ मैंने सारे पत्ते असेंबल कर लिए हैं। अब इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए जो सबसे नीचे हमने पत्ता लगाया था उसको पकड़ेंगे और इस तरीके से रोल करते जाएंगे। एकदम टाइट रोल हमें बनाना है, थोड़ा भी लूज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से रोल करते रहेंगे। और जो हमारा एंड वाला पोर्शन है उसको अंदर की तरफ इस तरीके से पुश कर दीजिए। दूसरी साइड भी हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे और ये हमारा रोल तैयार है। इसे हमें स्टीम करना है। आप चाहें तो इस रोल को धागे से लपेट सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से भी स्टिक रह सकता है। बेसन क्योंकि हमने लगाया है तो वो अच्छे से चिपका रहेगा। अब हम इसे स्टीम करते हैं, तो ये मैंने सेटअप बनाया है स्टीम करने का। उसके ऊपर हम रोल को रख देंगे और कवर कर देंगे ढक्कन से। 10 मिनट में ये रेडी हो जाता है, तो हमें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है इसे मीडियम फ्लेम पे। ये 10 मिनट हो गए हैं और हमारा रोल स्टीम होके तैयार है। तो हम इसे हटा करके एक प्लेट में रख लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसे हमें रिंग्स के फॉर्म में कट करना है, तो कट करने से पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए। जब तक ये ठंडा होता है हम अपने ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक लिया है और सरसों के दाने लिए हैं। लगभग 3 चम्मच मैं सरसों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास काली सरसों है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से धुल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। ये पेस्ट रेडी है मेरा, इसे साइड में रख देते हैं। इधर हमारा जो रोल है वो भी ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे रिंग्स के फॉर्म में कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से कट करना है। ये अंदर तक बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है, ये देखिए। इसी तरीके से सारे रोल्स हम रिंग कट करके निकाल लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम रिंग्स को डाल देंगे और इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप पलट पलट करके इसे अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए ऐसा कलर आना चाहिए। ये सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं, तो अब चलते हैं इनकी ग्रेवी बनाने की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है
उसमें तेल डालेंगे। लगभग 2 से 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ मैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आप उसमें जीरा ऐड करिए, हींग, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली डालेंगे और बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। यहाँ मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है, मीडियम साइज़ के। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बना करके तैयार किया था उसको डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें मसालों को अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये मसाले पैन ना छोड़ दे। इसे बराबर से चला चला करके फ्राई करिएगा। ये देखिए सरसों के जो मसाले वो थोड़ा सा छटकते हैं, तो मैंने लिड रख करके इसे फ्राई किया था। ये अच्छे तरीके से पक गए हैं मसाले। अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। आधे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो अरबी का पत्ता होता है वो गले को इरिटेट करता है, तो नींबू से कम थोड़ा सा लगेगा। अब हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। आमचूर पाउडर भी हमने इसीलिए इस्तेमाल किया था कि गले को इरिटेशन कम हो। यहाँ मैं 1.5 कटोरी पानी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं। इसको ढक कर के हम पकाएंगे अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करिए ग्रेवी को। ये मेरा अच्छे से बॉईल हो गया है ग्रेवी, तो अब हम इसमें जो पत्ते हमने फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। इतने पत्ते मैं बचा करके रख रही हूँ, मैं इसी तरह ड्राई खाने वाली हूँ इसको, क्योंकि ये इस तरीके से भी बहुत टेस्टी लगता है। अब जो है हम फ्लेम को बंद कर देंगे, क्योंकि जो हीट है ग्रेवी में उतना काफ़ी है इन पत्तों को पकाने के लिए। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, जिससे कि ये ग्रेवी के हीट से ही अच्छे से पक जाए और एब्जॉर्ब कर ले सारी ग्रेवी को अपने अंदर। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और हमारे पत्ते की सब्जी बनकर के रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये। लास्ट में हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इसे चावल के साथ गर्मा गर्म खाइए घी डाल करके, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अगर आप रेगुलर सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है खाने में। एक नया स्वाद आएगा आपको रेगुलर सब्ज़ी से हटकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू।